जय सियाराम। मुनव्वर फारूकी, ये हरामी को 16 स्टेट की गवर्नमेंट ने बैंड किया है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं को कॉमेडी के रूप में गाली देता है। और गोधरा कांड में जो साधु संत जो हमला हुआ था, साधु संतों पर, उन पर कॉमेडी करता है। ऐसे अनेक प्रकार के कॉमेडी शो के माध्यम से वो देवी देवताओं के ऊपर कमेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को 16 स्टेट की गवर्नमेंट ने बैंड किया है। तो केटीआर साहब हमारे, कि आप आइए हमारे तेलंगाना में, आपका शो हम कराएंगे, कौन बैंड करता है, कौन रोकता है, देख लेंगे बोल के केटीआर साहब ने 9 जनवरी को उनका कार्यक्रम तेलंगाना में लगाने का प्लान किया है, अभी प्लेस डिसाइड नहीं करे। तो केटीआर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप हिंदू विरोधी है? क्या हिंदू विरोधी हूं बोल के बताना चाहते हैं क्या? क्या आप ये समझते क्या हिंदू देवी देवताओं को कोई व्यक्ति, कोई कुत्ता आके गाली दे हैदराबाद में और हम खामोश बैठ जाएं? केटीआर साहब, याद रखना, आज का हिंदू जागा हुआ है। पार्टी को, सब चीज को साइड में रखकर अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए कई लोग जागरूक हो रहे हैं केटीआर साहब, ये बात ध्यान रखना आप। और वो हरामी जो मुनव्वर जो भी होगा साला, अगर वो तेलंगाना में पैर रखेगा तो उसकी बैंड हम बजाएंगे केटीआर साहब, भले ही आप कितनी भी पुलिस फोर्स लगा ले। उस हरामी को तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, भले ही इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। केटीआर साहब, आज का हिंदू जाग चुका है तेलंगाना का, ये बात ध्यान रखना। और ऐसे हरामी को आप बुलाएंगे, ये शर्म की बात है। आपके पिताजी अच्छा मंदिर बनाते हैं, भक्ति भावना से काम करते हैं, कम से कम आपके बाप को देखकर तो कुछ सीखिए आप, अपने बाप के मार्गदर्शन पे चलिए। आपके पिताजी अच्छी पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और तुम जो हिंदुओं को, देवी देवताओं को जो व्यक्ति गाली देता, उसको आप बुलाने का प्रयत्न करते हो। केटीआर साहब, हम तो उसको रोकेंगे, आप बुलाइए वो मुनव्वर जो भी माधरचोद साले को, आप बुलाइए, हम उसके टांग तोड़ेंगे, ये आपको मैं कहना चाहूंगा। अगर तेलंगाना का वातावरण खराब हुआ तो केटीआर साहब, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ।